सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ क्लचेस, वो भी यूट्यूबर्स के अगेंस्ट में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई अपना सबसे पहला क्लच आ जाता है लॉल्स गेमिंग के अगेंस्ट में। तो भाई मैं कॉन्करर पे रैंक पुश कर रहा था और तभी मेरे मैच में आ जाता है लॉल्स। तो मुझे सामने स्क्वाड हाउस पे से स्मोक्स वगैरह स्पॉट होते हैं और वहाँ पे बंदों की फायरिंग की साउंड भी आ रही थी। तो मैं फटाफट से गाड़ी लेके पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ ना, लॉल्स मेरे एक टीममेट को नॉक कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्वाड हाउस में आके गाड़ी रोक देता हूँ और एक नेड पिन करता हूँ। नेड करेगा वो, नेड करेगा गाइस, मुझे कवर चाहिए, थोड़ा एडीएस चाहिए था गाइस, थोड़ा सा एडीएस हो गया। ऊपर से एक बंदे का साउंड आता है, टच 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 टच, एंड उठा जल्दी, ऊपर वाला मार दिया भाई, एक और नेट पिन करता हूँ, ऊपर से बंदे का साउंड लेता हूँ। अब यहाँ पे दूसरे नेट से भी एक बंदा फट जाता है। अभी मेरा पीओवी देखो, दूसरा बंदा नॉक करने के बाद मैं यहाँ पे एक दो रैंडम ग्रेनेड फेंकता हूँ। किधर है? छत पे ना। अभी मुझे अंदर से एक बंदे का साउंड आता है। वेट कर रहा मैं, वेट वेट कर रहा हूं। ऑसम। और इसी के साथ दबदब से मैं लास्ट वाले का भी खेल खत्म कर देता हूं। और भाई यहां पे ना बिना एक भी एचपी लूज किए तुम्हारा भाई लॉल्स को 1v3 कर देता है। बिच्छू ना मार रहा हूं। और भाई एक बार तुम ये सीन देखो, जब मैंने लॉल्स को 1v3 किया ना, तो वो स्ट्रीम पे था और भाई उसके लाइव चैट में ना बिक्सियो भी स्पैम हो गया था पूरा गंदे वाला। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लच पे। तो भाई अपना अगला क्लच होने वाला है बंदूक बास के अगेंस्ट में। एंड भाई इस वाले क्लच की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो रहेगी, क्योंकि मेरा एक साल पुराना क्लच है और उस टाइम पे मैं एंड्रॉइड पे खेला करता था। तो सबसे पहले तो तुम लोग भाई प्लेन में बंदूक बास का और उसके टीममेट का नाम पढ़ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे मिलिट्री बेस में कूदते हैं, और जैसे ही भाई मिलिट्री बेस में मैं कूदता हूँ ना भाई, मुझे यहाँ पे एक भी गन नहीं मिलती है लिटरली। तुम लोग यहाँ पे देखो भाई, मतलब मैं यहाँ पे भागे जा रहा हूँ पर भाई एक भी गन नहीं मिल रही है। अब जैसे तैसे करके मुझे ऊपर एक VSS दिखती है, और जैसे ही भाई VSS में उठाता हूँ ना भाई, यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उसका नाम पढ़ना। अब यहाँ पे इसको नॉक किया, अभी पीछे से इसका टीममेट आता है, तो VSS रिलोड करता हूँ। अभी मेरा प्लान होता है भाई इनको फिनिश डाल के इनको लूटने का, क्योंकि मेरे पास गन नहीं थी, पर टावर से एक बंदा मेरे टीममेट को नॉकआउट कर देता है। टावर पे बंदा यार, अभी मैं इनको मार के लूट ही रहा था, तभी नीचे से एक और बंदा आ जाता है। अभी मेरी गन में एमो नहीं था, तो थोड़ा फॉल बैक करता हूँ गन ढूंढने के लिए, और जैसे ही मैं पीछे जाता हूँ ना भाई, बंदों ने मुझे पूरा लो कर दिया है। अभी सामने मुझे एक SKS दिखती है और भाई इसमें सिर्फ 10 ही गोलियां हैं। अभी सामने से बंदूकबाज की टीम का लास्ट बंदा आता है, तो मैं निकालता हूँ SKS और भाई, और फाइनली मुझे यहाँ पे हेलमेट वेस्ट और हैमो मिल जाता है। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लच पे। तो अपना नेक्स्ट क्लच है पायो के अगेंस्ट में। तो मैं था स्कूल अपार्टमेंट्स में, और तभी यहाँ पे गाड़ी लेके बंदे रश कर देते हैं। अभी यहाँ पे मैं पायो को नॉक कर देता हूँ, पर पीछे से इसका टीममेट कवर फायर दे रहा था, तो अभी उसको पकड़ते हैं। उड़ गया। आसम। अभी सामने एक बंदा नॉक किया, तो फटाफट से उसको फिनिश डालने के लिए जाता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको फिनिश डालने के लिए आता हूँ ना, पायो और इसके बाकी के टीममेट्स ना यहाँ पे रिकॉल होके आ जाते हैं, और भाई अभी यहाँ पे दोबारा से फाइट होने वाली है। अब इसका टीममेट मुझे पीछे से डैमेज कर देता है, तो सबसे पहले हीलिंग करते हैं। एक बंदा पीछे से आता है, उसको भी लो किया, तो सबसे पहले एक नेड बिन करता हूँ। और इसी के साथ लास्ट वाले कभी खेल खत्म कर देते हैं। अभी अपना अगला क्लच आने वाला है एक स्ट्रीमर के अगेंस्ट में। तो भाई सामने एक स्क्वाड होती है, तो मैं यहाँ पे स्केटबोर्ड का यूज करके इन बंदों पे रश कर देता हूँ। अभी ऊपर से मुझे बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि भाई नेड करेंगे, पर भाई जैसे ही मैं नेड करने के लिए जाता हूँ ना, यहाँ पे भाई बहुत गलत सीन हो जाता है। और भाई यहाँ पे अगर मेरा टीममेट नेड से उसको ना फोड़ता ना, तो भाई वो मुझे यहाँ पे पक्का फिनिश डाल देता।
अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नीचे आके रिवाइव लेता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिवाइव हो रहा होता हूँ ना भाई, बंदे यहाँ पे हमारे पे रश कर देते हैं। रुक जा रावण, मैं भी तेरे साथ आऊंगा। चल 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 चल। I need consumables. I need consumables. I need consumables. Help! अरे यार। Thank you. अब यहाँ पे तीन बंदे मैं मार देता हूँ, इनका लास्ट बंदा ऊपर था, और भाई एक दूसरी टीम का बंदा बाहर से हमारे पे पुश कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हीलिंग करके गन रिलोड करता हूँ। जो बंदा बाहर से पुश करता है उसको मैं मार देता हूँ, और जो बंदा ऊपर था उसको मेरा टीममेट मार देता है। अभी गाइस यहाँ पे तुम लोग ना इस स्ट्रीमर का रिएक्शन देखना। हो सकती है क्योंकि मेरे को, हाँ हो सकता है, हो सकता है क्योंकि हेड पड़े भाई, हेड पड़े हैं, सीधे हेड ही पड़े थे भाई। हो सकता है एम्बोट हो, मैजिक बुलेट हो, मैजिक बुलेट या एम्बोट। इतना एक्यूरेसी से मारा तेरे को पता तो है, हेड ही हेड मारा उसने, मेरे को भी हेड ही पड़े भाई। अब यार इन लोगों का तो पता नहीं, पर भाई इस बंदे ने मुझे ज़रूर रिपोर्ट किया होगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों की फाइट हो रही थी अपार्टमेंट्स में, पर तभी मुझे पीछे से एक ग्लाइडर का साउंड आता है, तो मैं निकालता हूँ AMR, और भाई अभी देखना। और भाई कमेंट करके बताओ कि AMR का शॉट तुम्हें कैसा लगा। तो भाई मैं था स्कूल अपार्टमेंट्स में, और तभी यहाँ पे पूरे के पूरे चार बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीडियो में थोड़े बहुत स्नोबॉल्स करता हूँ, ताकि इन बंदों को हमारे ऊपर रश करने में मुश्किल हो। पर भाई ये लोग यहाँ पे हमारे ऊपर ग्रेनेड और मोली चालू कर देते हैं, और भाई अभी यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। और यार हम लोग 200K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो भाई अगर तुम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस टीम को मारता हूँ ना, यहाँ पे एक और स्क्वाड हमारे पर रश कर देती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इनका एक बंदा मारता हूँ, भाई ये लोग मेरे ऊपर रश कर देते हैं, और भाई अभी यहाँ पे देखना क्या होगा। अरे विक्सी भाई, हेलो 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 हेलो, मारना नहीं, मारना नहीं, कोई नहीं मारेगा विक्सी भाई। भाई बिग फैन भाई। और भाई ये लोग निकलते हैं अपने फैंस, अब इनसे थोड़ी देर बातचीत करके हम लोग निकल जाते हैं सीधा जोन की तरफ को। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे दोबारा मिलते हैं, पर भाई ये लोग ना हमें यहाँ पे चिकन दे देते हैं। तो यार अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले क्लच पे। और भाई इन बेचारों के साथ तो बहुत ही बुरा स्कैम हुआ है। तो भाई मैं जा रहा था जॉर्जो पूल, क्योंकि भाई वहाँ पे ना बंदों ने फ्लेयर चलाई हुई थी, पर भाई रास्ते में मुझे मिल जाते हैं बंदे, और भाई अभी यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। अब इन तीनों को तो मार दिया, अब बारी थी जॉर्जो वाले बंदों की, तो फटाफट से बंदों पे रश करते हैं। और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। तो भाई अभी तुम लोग एंजॉय करो ये कॉन्कर लॉबी का गेम प्ले। अभी सामने मेरे टीममेट्स को एक बंदा स्पॉट होता है। अब इस बंदे को तो यहाँ पे मैं इजीली नॉकआउट कर देता हूँ, पर भाई जोन हमारे ऊपर से हट चुका था, और जोन था सामने कंपाउंड्स के अंदर। अब डायरेक्टली तो हम बंदों के ऊपर पुश कर नहीं सकते थे, क्योंकि भाई वहाँ पे ना एटलीस्ट दो तीन टीम्स वहाँ पे आपस में फाइट कर रही थी। तो बंदों पे रश करने से पहले हमें एटलीस्ट एक बंदे को तो नॉक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉक निकालने का ट्राई करते हैं।
अब सामने ट्रिपल स्टोरी पे एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, तो फटाफट से हम लोग गाड़ी उठाते हैं और बंदों पे रश कर देते हैं। अभी ऊपर से बंदे का साउंड आ रहा था तो एक नेड पिन करता हूँ। अभी एक बंदे को मैं वापस से नॉक कर देता हूँ पर बाकी के बंदे भाग जाते हैं स्क्वाड हाउस में, तो हम फटाफट से घर के अंदर जाते हैं क्योंकि भाई सर्कल काफी छोटा था और बंदे अच्छे खासे लाइफ थे तो हमें पीछे से भी गोलियां पड़ सकती थी। पर जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं भाई बंदों के पास हमारे ऊपर बहुत ही प्यारा एंगल था, तो फटाफट से यहाँ पे मेरे टीममेट्स स्मोक्स करते हैं, पर लेकिन बंदे यहाँ पे शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर ग्रेनेड्स करना और भाई अभी यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। ऊपर चले जाओ। और भाई क्या ही बचाऊं यार यहाँ पे मैं। अभी मुझे राइट से बंदों की फायरिंग की साउंड आ रही थी तो मैं यहाँ से एक हाथ किल उठाने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे स्मोक के अंदर फायर करके मैं एक किल तो उठा लेता हूँ, पर भाई तुम लोग देखो अभी जोन कितना छोटा हो चुका है और अभी भी 5 बंदे अलाइव हैं। और भाई ट्रिपल स्टोरी पे ना नेड से बंदों को फोड़ना बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो भाई अगर यहाँ पे मेरे ऊपर नेड आता है तो मेरा मरना पक्का है। तो मैं फटाफट से पहले तो यहाँ पे स्मोक्स करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ सीधा स्क्वाड हाउस में और यहाँ से अभी बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करेंगे, पर लेकिन अभी पीछे से मुझे गोलियाँ पड़ सकती है तो सबसे पहले तो यहाँ पे भाई एक स्मोक करता हूँ। पर भाई इतने में ही सामने से बंदे स्मोक करके मेरे ऊपर रश कर देते हैं। और भाई ये बंदा पीछे से चुपचाप मेरे ऊपर नेड फेंक रहा था। अभी यहाँ पे ये बंदे मेरे ऊपर क्लोजिंग कर चुके हैं तो सबसे पहले तो मैं पीछे आता हूँ ताकि मेरे ऊपर नेड ना आए और भाई यहाँ से ना नेड से बंदों को फोड़ेंगे। अभी दो बंदे नॉक किए, अब बचा था लास्ट बंदा तो एक और नेड करता हूँ। अभी ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था तो फटाफट से एक और नेड करते हैं। और इसी के साथ लास्ट वाले कभी खेल खत्म कर देते हैं। सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।